सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि आप जो आईएएस बने, आप सेल्फ स्टडी करते थे तो आप कितने घंटे घंटे पढ़ाई करते थे? मुझे एमयू के बॉडी है, मर्चेंट्स बॉडी है, सबको नमस्कार। एंड उन सबसे ज्यादा जो मैं हैप्पी हूँ वो इस बात को लेके हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। तो मेरा नाम मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम है और मैं इस्लामपुर का रहने वाला हूँ। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो नॉर्मल आप लोग की तरह ही शुरू हुई थी। एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था एंड इस्लामपुर में ही एक स्कूल में पढ़ता था। तो बचपन से था कि कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है कि बच्चे जो है वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये मन में था, उसको लेके पढ़ाई किया, 10वीं अच्छा किया। उसके बाद हुआ कि बाहर निकलना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। एक टाइम पे लगा था शायद पढ़ाई कंटिन्यू ना करें, बच्चों का मन होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता। तो फिर भी सोचा कि पढ़ूंगा लिखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। तो एनीवेज पढ़ाई कंटिन्यू किया, बाहर निकलना हुआ। मैं 2008 में बाहर गया था एंड उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड फिर फाइनली इस एग्जाम में अपीयर करने का सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जाम क्वालिफाई किया। तो जैसे मैं यहाँ आया तो अक्सर हर जगह मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि पहला आईएएस ऑफिसर है, पहला आईएएस ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का या इस्लामपुर का, जो भी है। तो ये सुनकर तो अच्छा लगता है कि पहला आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ तो बुरा लगता है कि पहला क्यों हूँ। अगर हम देखें नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, तो यहाँ पे लाखों लोग हैं। नॉर्थ दिनाजपुर अगर आप देखें 30 लाख लोग हैं नॉर्थ दिनाजपुर में। तो इतनों में और इतने सालों में सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर निकला, इसका रीजन क्या है? इस बारे में सोचना चाहिए हमें। क्या यहाँ पे टैलेंट की कमी है? नहीं है यहाँ पे टैलेंट की कमी। हर एक बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा करने लायक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक फील्ड है जहाँ पे मैंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर कर कौन सकते हैं? ये बच्चे ही जो है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वही कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जैसे मैं भी एक विलेज से बिलोंग करता हूँ जो कि इस्लामपुर में ही है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि स्कूलिंग वगैरह पे माँ बाप का फोकस नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक इस पर अब वर्क हो रहा है। माँ बाप काफ़ी अवेयर हुए हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करे हैं। और मैं भी चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे कि सब लोग अपने बच्चों को सपने दिखाइए, स्कूल भेजिए और उनको सपोर्ट कीजिए कि वो आगे कुछ अच्छा कर सके। दूसरी चीज मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, मैं भी एक स्टूडेंट ही था अब तक। तो बच्चों ये बोलना है कि अब जो है हमारे टाइम पे जो था जमाना अलग था थोड़ा। हमें किताबें पढ़नी होती थी, हमारे पास फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो हमें डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे। अभी के ज़माने में एक चीज़ देखा गया है कि थोड़े डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है, बच्चे जो है फोन्स में बिजी रहते हैं, इंटरनेट में बिजी रहते हैं। एंड ये चीज़ जैसे मैंने बार बार बोला है, ये चीज़ इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो ये आपको समझदार बनना है, आपको उसको अपने फायदे के लिए यूज़ करना है और उसको नुकसान के लिए यूज़ नहीं करना है। आप में बहुत पोटेंशियल है बच्चों, यहाँ के बच्चे जितने भी हैं
जितने भी स्कूल गोइंग किड्स हैं, कॉलेज गोइंग किड्स हैं, सब में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक चीज़ है, सपने देखना सीखिए और फिर उसको पूरा करने में जुट जाइए। अगर आप ये करेंगे तो होपफुली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, सिर्फ पहला IAS नहीं, पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रेसिडेंट, इस टाइप के सपने भी देख सकते हैं। और मैं जैसे मैं 2008 में यहाँ से गया था बाहर, इस्लामपुर से और स्टेट से, तो तब से बाहर ही रहा हूँ, तो ज़्यादा वार्तालाप हुआ नहीं लोगों से। तो यहाँ पे आके मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी इस बार जब लोगों से मिला, यहाँ आया कि हर एक सेक्शन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जैसे लायंस क्लब है, AMU यंग बॉयज़ एसोसिएशन है, मर्चेंट्स एसोसिएशन है, एंड मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि ये लोग मिलके एक प्रेशर ग्रुप या फिर एक बॉडी बना के रखे हैं एंड सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आई रियली थैंक यू ऑल फॉर हैविंग सच अ थिंग इन इस्लामपुर। एंड ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया हूँ मैं तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसे वेलकम करने के लिए, और अब तक बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा यहाँ तक आने के लिए, एंड आगे की जो लाइफ होने वाली है उसमें मुझे आप लोगों को सर्व करना है, स्टेट को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है, तो मेरे लिए प्रे करिएगा। और उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग सब से कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ यहाँ से, एंड आगे भी अच्छे से काम करता रहूँ और अच्छे से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहूँ। थैंक यू। আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন এমডি মঞ্জুর হোসেন আঞ্জুম মহাশয়। আমি স্টুডেন্টসদের জিজ্ঞেস বলব, যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারো তাকে। তোমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছেন, তোমাদের পড়াশোনার জন্য হয়তো খুবই প্রয়োজন। হ্যালো, ইয়েস, মুঝে এক অর চিজ করনা থা, মুঝে ইন্টারঅ্যাক্ট করনা থা স্টুডেন্টস সে, তো আগার কিসি কো ভি কুছ ভি পুছনা হ্যায় आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो। आई एम रातिया नाज, आई एम स्टडिंग श्री अग्रसेन महाविद्यालय, आई एम परसिंग माय ग्रेजुएशन। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर हिंदी में बोलते हैं, सब समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं, पहले तो सबका देखते हैं कि ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो ये जो UPSC है ये बहुत ही टफ एग्जाम है जी। तो एक टाइम पे सर ऐसा नहीं हुआ आपको फील कि हम ये गलत डिसीजन ले लिए या फिर ये हम कर नहीं सकते, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा टफ है। जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। आप किस कोर्स में ग्रेजुएशन कर रही हैं? BA में कर रही है। सो मेरा ऐसा था कि UPSC मैं भी, जैसे आपने बोला, तो UPSC मैंने भी सोचा बचपन में कि UPSC कर सकते हैं, लेकिन है बड़ा एग्जाम, तो गट्स नहीं थे इसको क्वालिफाई करने का, है ना। और हमारे साथ क्या होता है, हम लोग जैसे बोला कि पहला IAS ऑफिसर है, पहला यहाँ पे और IAS ऑफिसर्स नहीं है, तो इस वजह से हमें इनफ गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। तो मेरे साथ भी यही था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जो प्रेजेंटली परसू कर रहा हूँ, सपोज मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मैं सीधे UPSC में जंप कर जाऊँ। मेरे दोस्तों जो भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग UPSC ही टारगेट कर रहे हैं। अब आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आप BA कर रही हैं, कोई कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई साइंस लेके ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले उसमें अच्छा करने का ट्राई कीजिए, आप लोग उसमें आगे रहने का ट्राई कीजिए। उसमें आगे रहने का मतलब यह है कि आप जहाँ भी एनरोल्ड हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, आप ट्राई कीजिए उस कॉलेज में सबसे अच्छा करने का। दूसरा चीज़ है, अगर उस कॉलेज में दूसरी चीज़ है अगर उस कॉलेज में आप बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो आप
अगला जो आपके हायर स्टडीज है उसको किसी और अच्छे कॉलेज से करिए, बाहर निकलिए। देखिए बाहर निकलने से क्या होता है, हम लोग जब तक अपने कंफर्ट में रहते हैं, अपने एक स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो हमें लगता है हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है अरे दुनिया बहुत बड़ी है, हमें और अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग दूसरों के साथ तो लड़ नहीं रहे ना, हमको खुद से लड़ना है, खुद को बेहतर बनाना है रोज। तो ऐसे ही चलता रहा, अपने फील्ड में अच्छा करते रहिए, फिर जाके जब आपको लगे कि आपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर लिया है, फिर आप एक डिसीजन लीजिए कि अब आपको आगे क्या करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। हेलो, गुड इवनिंग सर। आई हैव आल्सो क्वेश्चन। सर आप हमें बताएं कि हम कैसे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट ना हो और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करें ताकि हम अपनी ड्रीम अचीव कर सके। सर कोई एडवाइस अच्छी सी जिससे हम सिर्फ स्टडी पे फोकस करें। देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। यस सर। मैं कॉलेज गया आईआईटी कानपुर में, एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो हमारे टाइम पे हम लोगों को पता नहीं होता था कि डिपार्टमेंट क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग बेहतर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेहतर है या कोई और इंजीनियरिंग बेहतर है। तो हमें जो मिल रहा था उस हिसाब से हमने ले लिया एंड हम वहाँ चले गए। ठीक है, तो तब सोशल मीडिया नहीं था, ये बात है 2011 की, 2010-2011 की, तब सोशल मीडिया नहीं था जो आप देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ नहीं था उस टाइम। तो उसके एक दो साल में जब हम फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में थे तो उस टाइम फिर से एडमिशन होने लगे। तो उस टाइम जो है इंटरनेट आ गया था, लोग फेसबुक यूज कर रहे थे। तो उस टाइम हमें एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया कि सर हम कौन सा कोर्स लें। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेट को यूज किया किसके लिए, अपना करियर का डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेट फोन, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, आप अपने करियर में आगे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, आप ऐसे लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका करियर में डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। डिड यू टेक एनी कोचिंग और यू डू सेल्फ स्टडी? ओके, सो आई टुक कोचिंग फॉर माय ऑप्शनल। आई हैव अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग में है एंड आई हैड टेकन ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी, सो आई हैड टू टेक क्लासेस फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट माय होल प्रिपरेशन, मेरा पूरा प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के बेसिस पे था, मुझे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए मैंने आपसे बोला कि इंटरनेट को सही से यूज करना है। अभी के टाइम में जितने भी आपको मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, चाहे वो बुक्स हो, टेस्ट्स हो, कुछ भी पुराने पेपर्स हो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप उसको यूज करिए, और क्योंकि सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप कभी भी उसको कहीं से भी उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बस देरी इस बात की है कि आप कब करेंगे। So that was my answer. Yes. Answer what? Who is your inspiration? See, I have always been motivated by my father. He was the one who always inspired me. Okay. And best of luck for you too. Thank you. Any more? Hello, sir. Hello. Sir, I'm preparing for WBCS and. My math is not too strong, as I'm from arts group. That's why how I can make better maths. Okay, so what course are you enrolled in right now? History honors. Huh? History honors. History honors. Okay, so you are preparing for WBCS. Okay, so I would say, see, the first thing, na, when you are preparing for something, agar aap kisi cheez ke liye prepare kar rahe ho,
So it's very important to understand the process. Okay, by process I mean एक exam का syllabus क्या है, एक exam में question क्या पूछता है. Okay, what are the requirements of an exam? ये जानना बहुत जरूरी है. Okay, so WBCS के लिए बहुत जरूरी है कि like I think you have gone through the process. So 8 sections में divided है. Okay, the whole syllabus is divided into 8 sections. And maths is one of those sections, right? So if you appear in prelims, it's like 25 questions in prelims, okay, from maths. So ये बस 1/8 है. And cutoff कितना जाता है? 130. 130, 140. है ना? Yes sir. तो if you are weak at something, you can still qualify the exam, okay? But the thing is, you have to work on your weak areas. ठीक है? अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको मेंस में प्रॉब्लम होगी. मेंस में तो एक पूरा पेपर मैथ्स का होता है ना? तो आप अपने मैथ्स पे वर्क कर सकते हैं. सी मैथ्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अनलर्न व्हेन यू हैव लर्न. अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ती हैं तो आप ऐसा होगा कि एक महीने बाद वो चीज़ भूल जाती होंगी, है ना? एक महीने बाद भूल जाती होंगी, उसको रिवाइज करना होता. मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अगर एक बार पढ़ लिया वो आप भूलेंगी नहीं. अगर मैं किसी से कहूं कि 2+2 कितना होता है तो ही कैन नॉट अनलर्न इट. उसको हमेशा याद रहेगा 2+2 4 होता है. तो हमारे साथ क्या होता है, हम सोचते हैं हमारा मैथ्स वीक है. ठीक है? एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई लव मैथ्स. ओके, सो आप उस पर वर्क करिए एंड उससे डरिए मत. एंड होपफुली अगर आप वर्क करेंगे लाइक 1 month और 1.5 month तो आई बेट लाइक यू विल फॉल इन लव विथ मैथ्स. So you won't have any such problem. Okay, and there are some resources. जैसे इसका best जो तरीका होता है वो I would say कि आप जो previous year questions हैं especially mains के and prelims के वो आप practice करना शुरू करिए and उससे आपको काफ़ी benefit होगा. Thank you sir. Thank you. Anyone? Hello sir. आपको बहुत बहुत अभिनंदन. आप आईएएस बन गए. सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि आप जो आईएएस बने आप सेल्फ स्टडी करते थे तो आप कितने घंटे घंटे पढ़ाई करते थे? मोबाइल. और क्या हम बांग्ला मीडियम में मतलब बांग्ला में यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है, बांग्ला भी एक लैंग्वेज है. ठीक है? तो सारे पेपर्स आप बांग्ला में भी लिख सकती हो, पहली चीज. दूसरी चीज जो था हमारा सेल्फ स्टडी का था और कितने घंटे का था. तो देखिए मेरे लिए कभी भी नंबर ऑफ आवर्स घंटे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं. ठीक है? तो मेरे लिए क्या होते थे, टारगेट्स होते थे, डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट. यानी कि आज दिन भर में ये ख़त्म करना है और ये पहले से प्लान किया हुआ होता था. तो आज दिन भर में ये ख़त्म करना है, कल ये ख़त्म करना है, इस हफ्ते ये ख़त्म करना है, इस महीने ये ख़त्म करना है. तो कभी घंटे ज़्यादा लगते थे, कभी घंटे कम लगते थे. तो आई वुड ऑल्सो से कि घंटों पे मत जाइए आप लोग. कभी कभी हो सकता है कि आपको दिन में 10 घंटे भी देने पड़े, उससे भी ज़्यादा देना पड़े. और कभी हो सकता है आपको 2 घंटे में आप पढ़ के आपका दिन भर का पढ़ाई ख़त्म हो जाए. तो इस हिसाब से अपने शेड्यूल बनाइए और पढ़ाई कीजिए. क्या ये बचपन से सपना था कि आप आईएएस बनेंगे? बचपन का सपना बोलूंगा, मेरे फादर बोलते थे मुझसे कि ये एक अच्छी चीज है जो कर सकते हो लाइफ में. एंड वो बचपन में था, बट हमेशा से लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि कभी किया नहीं है, किसी ने किसी से मिला नहीं हो जिसने किया है ये चीज, तो शायद नहीं हो पाएगा. लेकिन जैसे जैसे लाइफ में अच्छा करता गया, स्कूल में अच्छा किया, कॉलेज में अच्छा किया, तो फिर लगा कि अब ये भी करना चाहिए. थैंक यू सर. আচ্ছা, যারা বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছেন, বিশেষ করে লায়ন্স ক্লাব বা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, তাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন. আসসালামু আলাইকুম স্যার. ফার্স্টলি স্যার আই উড লাভ টু কংগ্রাচুলেট ইউ অন ইয়োর গ্র্যান্ড সাকসেস. থ্যাংক ইউ. And secondly, sir, we as youngsters are very much, you know, inspired by your great feat that you have achieved in Uttar Dinajpur.
So it's really a privilege to, you know, share the same moment Thank with you. You, sir. And yeah, we are also inspiring, guys like us are also inspiring to be someone great like you, sir. So, sir, as of now, I'm preparing for WBCS. So, sir, if you could just give some basic tips on how to, you know, be on the track and not move off the track and be a very good scorer in whatsoever, like mains or prelims, sir. And as you mentioned earlier, yeah, maths is a very maths is an area where needs a lot of focus, where I need to really focus on. So if you could just give in your thoughts, sir. So जो पहला चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा मत बनिए, ठीक है? अपना एक आइडेंटिटी बनाइए. आप अगर मेरे जैसा बनेंगे तो आप ब्लाइंडली सोचेंगे कि हमें भी यूपीएससी करना है, हमें भी आईएएस बनना है. वो मैं नहीं चाहता, ठीक है? आप लोग अपना स्ट्रेंथ पे अपना फील्ड चूज करिए. आप लोग अपने फील्ड में आगे बढ़िए. आप लोग जहां है वहां आगे बढ़िए, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू, बट आई डोंट वॉन्ट टू इंस्पायर यू इन द रॉन्ग वे, ठीक है? ये पहली चीज थी मेरी. दूसरी चीज जो आपने बोला मैथ्स का, मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है? आपको करना पड़ेगा. नाउ हाउ टू वर्क स्मार्टली इन WBCS. सो देखिए, किसी भी, जैसे मैंने बोला, किसी भी एग्जाम में अगर आपको अपियर करना है, चाहे वो WBCS का हो, चाहे वो UPSC का हो, या फिर कोई और स्टेट एग्जाम्स हो, ठीक है, उसमें बहुत जरूरी है कि आप उस एग्जाम के प्रोसेस को समझें. उस एग्जाम में क्या पूछ रहा है वो समझें. अब एक एग्जाम में अगर अरिथमेटिक पूछ रहा है और अलजेब्रा नहीं पूछ रहा है, तो आप दोनों क्यों पढ़ें, है ना? क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एफर्ट है, लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है, उसको एक पर्टिकुलर चीज में पढ़ें, ना कि उसको कहीं और वेस्ट करें. अगर अलजेब्रा नहीं आएगा तो उसको नहीं पढ़ना है, है ना? तो अब दूसरी चीज है कि हमें जानना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है. तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है उसी एग्जाम के पुराने पेपर्स, ठीक है? जैसे आपको, आप WBCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से हमेशा सवाल आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, है ना जी? और सेंसस में कहाँ से सवाल आते हैं? वेस्ट बंगाल से सवाल आते हैं, है ना? तो जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा सेंसस खोल के पढ़े. सेंसस ऑफ इंडिया 28 स्टेट है जी, है ना जी? तो सेंसस ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो 28 स्टेट है, 28 के 28 थोड़ी पढ़ेंगे आप. तो इसका सोर्स क्या होना चाहिए फिर? तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसमें क्या सवाल पूछे हैं वो देख सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एफर्ट लेना होगा. तो सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एग्जाम के प्रोसेस को समझें, और अगर वो कर लेंगे आप, तो डेफिनेटली मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि यू विल नॉट फेल एट दैट एग्जाम. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. हेलो सर, माय नेम इज जीतिका देव, आई एम क्लास 12 स्टूडेंट. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो गोल है वो मैं कैसे अचीव करूँ, मतलब उसका राइट पथ क्या होना चाहिए? आपका गोल क्या है? मेरा भाई डॉक्टर है तो वो ज्यादा अच्छा बता पाता. तो देखिए, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 11 12 जो होता है वो हमारे लाइफ का सबसे क्रूशियल ईयर होता है. ये एक टाइम होता है जब हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 11th और 12th. इसमें जैसे आपने बोला नंबर ऑफ आवर्स पूछा उन्होंने, ये एक टाइम है जब आपको नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाने पड़ते हैं 11th और 12th में, क्योंकि उस टाइम आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और वो एक ऐसा एज है जब आप बहुत सीख भी सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में वो पढ़ें, ठीक है? और जैसे मैंने बोला कि अभी ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है? तो ऑनलाइन आप सर्च करिए
कि कौन से रेलिवेंट बुक्स हैं। आप अगर नीट की ट्राई कर रहे हैं तो नीट के पुराने क्वेश्चंस होंगे, है ना, नीट के डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स के फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप उन टेस्ट को डाउनलोड करिए, उनमें देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनसे आप कंपीट करती हैं, उनके साथ डिस्कस करिए कि अब क्या पढ़ना है, क्या पढ़ चुके हैं, और जो छूट गया है या फिर जिसमें हम लोग वीक हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो ये करेंगे तो आगे अच्छा होगा होपफुली। असंख्य धन्यवाद जो समस्त छात्र छात्रीरा আমাদের মাননীয় শ্রী এম ডি মঞ্জুর হোসেন আঞ্জুম মহাশয়কে প্রশ্নগুলো করছিলেন, আপনারা যেরকম প্রশ্ন করলেন উনিও উত্তর দিলেন, এবার আশা করবো উনি কিন্তু খোঁজ নেবেন যে আপনারা সেই গোলে পৌঁছতে পারলেন কিনা। হ্যালো স্যার, কংগ্রেচুলেশন এন্ড থ্যাংক ইউ টু গিভ মি দ্য চান্স টু মিট উইথ ইউ এন্ড আস্ক ইউ কোশ্চেন। স্যার বাংলায় বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, আমি আপনার সাথে একটা আগে হ্যান্ডশেক করতে চাই। ঠিক আছে, প্রোগ্রাম খতম হয়ে যায়, স্টুডেন্টস কে সাথে আচ্ছে সে একবার ফটো লুঙ্গা, ঠিক আছে। স্যারকে আমরা ডিস্টার্ব করলাম, স্যারকে আমরা প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে চেয়ারপারসন সাহেব এবং বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এবং আমাদের স্যার এখানে আসা মাত্র যেটা বললেন যে আমি প্রথম যখন তার ইসলামপুর জয়েন করি তো একদিন ডালপুরা থেকে রায়গঞ্জ আসতে আমার সময় লেগেছিলো রাত্রি 12 ঘন্টা। তো আমি ভেবেছিলাম যে আর কোনোদিন বাড়ি যাবো না, ঠিক আছে, কিন্তু ডালপুরার বুদ্ধি যাবো না। এই ছিল ডালপুরার সম্বন্ধে আমার মানে ফার্স্ট একটা মূল্যায়ন। তারপরে মানে ব্যাডলাক আর গুডলাক আমাকে এখানে পাঠানো হয়, এবং সাহেব এসে যেটা বললেন সেটা আমি দেখিনি যে টিম ডালখোলা যে এত ভালো, যে এত ধরনের সংগঠন আছেন এবং আমরা এসছেন তার জন্য আমরা ডালখোলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং আমি ইসলামপুরের ডেপুটি মিনিস্টার হিসাবে এখানকার এক্সিকিউটিভ হিসাবে আমরা প্রথমে থ্যাংকস জানাই, যার জন্য আমাদের পৌরসভা আজকে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছে। আমি খুব খুশি যে সেটা সফল আয়োজন করেছিলাম, এই কারণেই যে যারা প্রশ্ন করছে যে সত্যিই তো মানে সাহেবের সাথে আমাদের কথা হচ্ছিলো এটা যে সাহেব যে গ্রামটা বাস করেন ইসলামপুরের মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে পড়া, সব থেকে অবহেলিত, আর কিছু বললাম না, খারাপ খারাপ যত অ্যাডজেক্টিভ লাগে সমস্ত কিছু আছে ওখানে। সেখান থেকে উনি ওনার নিজের গ্রামটা ইসলামপুরের মধ্যে 1 নম্বর করেছে, ওটাকে জেলাতে নিয়ে এসছে, এবং ওনার যেটা কথা যে সকলকে যে আইএস আইপিএস হতে হবে না, কি হতে হবে যে আপনাকে আপনার যে যে কাজটা আপনি করছেন সেটা গ্রিলের কাজ করুন, যাই করুন না কেন সেটা এক্সেলেন্টভাবে করতে হবে, কাজটাকে আপনাকে এক্সেলেন্টভাবে করতে হবে। আর একটা কী আছে দেখবেন যে যে ভাই বোনগুলো আমাদের প্রশ্ন করছেন WBCS PCS, আপনি হয়তো জানেন যে আমাদের রেজিস্ট্রি সাহেব কোনো কারণে আজকে আসতে পারেননি, স্যার স্যাটারডে আসছেন। স্যার হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের গডফাদার, ওনাকে বলা হয় যেমন কোটা থেকে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা হয় তেমনি WBCS তৈরি করা, নর্থ বেঙ্গলের WBCS তৈরি করেন উনি একমাত্র অফিসার, যার কয়েক লক্ষ ফলোয়ার আছেন। আমরা খুশি হলাম, আমরা শুধু ডালখোলা পৌরসভা কিন্তু শুধুমাত্র ড্রেন রাস্তাঘাট ময়লা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আপনারা যদি সহযোগিতা করেন আপনারা দেখতে পাবেন আগামী দিনে ডালখোলা পৌরসভা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সমস্ত ধরনের কোচিং থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা করব। এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেমন সাহেবকে নিয়ে এসছেন এখানে, ডিএম সাহেব আসবেন, আপনারা অনেককেই দেখতে পাবেন, শুধুমাত্র আপনাদের আজকের মধ্যে সহযোগিতা চাই আমরা এটা। আর যে কথা বললাম সাহেবকে আমাদের ইউটিউবে আমরা অ্যাড করেছি, আমরা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন সাহেবকে ডিস্টার্ব করবো না, সাহেবের ইমেল আইডিটা আমরা শেয়ার করে দেবো, আপনি ওনাকে কোশ্চেন করবেন, এবং এটা আমার রিকোয়েস্ট স্যার নিশ্চয়ই এটা मैं शेयर कर दूंगा अपना ईमेल आईडी। स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोगों को कुछ भी डाउट हो कभी भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। এটাই বলতে চাইছিলাম যে সত্যি তো মানে প্রথম কিছু কঠিন নয়, আমি এটা মানে যে সাহস ওনার আছে, উনি যেটা বলেছিলেন ওনার ইন্টারভিউতে যে আমাকে কুল হতে হবে আর কম্পোজ হতে হবে, কুল এবং কম্পোজ, এবং ভালো লাগছিল। আমি তো বাঙালি, আমি তো অত হিন্দি ভালো জানি না, তো আমি মানজার শব্দটা দেখছিলাম আর আঞ্জন শব্দটা দেখছিলাম,
এবং উনি ওনার নামের দুটো নামের ক্ষেত্রেই সার্থক নাম নয়। তো ওনার ক্ষেত্রে উনি যেটা বলছিলেন না আমাদেরকে যে ওনার বাবা কীভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজকে আমি কিছু মা থেকে ডেকেছিলাম বাবা থেকে ডেকেছিলাম, আমারও মানে দুটো মেয়ে আছে, আমাদের প্রত্যেকের মেয়ে আছে, মানে আমরা বাবা ও মা ছাত্রের থেকে বাবা ও মাকে বেশি মোটিভেট হতে হবে। এবং যে সমস্ত আগুনগুলো দেখছিলাম যে আমাদের ছোটো ছোটো বোনরা যে প্রশ্ন করছেন ওদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে না ওরা পারবে। একসময় দেখেন ইন্ডিয়াতে কী হতো, শুধুমাত্র স্পিন বল করতো, তা ইন্ডিয়া দেশের বাইরে গেলে আউট হয়ে যেত, যদি ট্র্যাক চেঞ্জ হয়ে গেল ইন্ডিয়া এখন ফাস্ট বোলিং করছে। তো আমি এটা বলছি আপনাদেরকে আফটার পূজা, আপনাদের যারা আমাদের স্টুডেন্ট আছেন, আমরা এখানে এইরকম একটা জায়গায় অনেক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতি মানুষ, ডাক্তার থেকে শুরু করে ভাইয়ের ভাই ডাক্তার আছেন, তো এই লোকাল ডাক্তার যারা আছেন, আমি বলেছিলাম যে এরপরে দেবেন আমাদের অনেক এখানকার কৃতি প্রফেসর আছেন, ডাক্তার আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন, সমাজসেবী আছেন, ভালো পলিটিশিয়ান আছেন, কেন কি শুধুমাত্র একটা দিকে তো না, সমাজে বাস করতে গেলে সকলকে দরকার। এই সব সকল সাকসেসফুল মানুষ আমাদের ডালপুলার, ইসলামপুর, আমাদের জেলার দরকার পড়লে আমরা কলকাতা থেকে আমাদের সাকসেসফুল মানুষকে এখানে নিয়ে আসবো। এবং আপনারা হয়তো জানেন যে ওনার যিনি মেসোমশাই মানে খালু, ওনার হচ্ছে গ্রেট মোটিভেটার, এবং উনি আমাদের এই সাব ডিভিশন এবং আমাদের এই সাব ডিভিশনের লোক, এই জেলার লোক, এবং উনি একজন খুব শিক্ষিত মানুষ যিনি এই এলাকার উন্নয়নের জন্য সব ধরনের চেষ্টা করছেন। আপনারা হয়তো জেনে খুশি হবেন যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যখন থেকে বুঝতে পারছে যে আমাদের ইউপিএসসিতে আসেনি, আপনি জেনে খুশি হবেন বিনা পয়সায় আইএএস আইপিএস এবং ডাব্লিউপিএস পড়াচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বিনা পয়সায়। তো আমাদের ডালফুলা যদি কোনো ছাত্র, আমি অলওয়েজ ওয়েলকাম করছি, আমরা একটা ওয়ার্কশপ তো করবই, আমরা অলওয়েজ ওয়েলকাম করছি যে আমি এখানকার এক্সিকিউটিভ অফিসার, আমার ডাব্লিউপিএস অফিসার, এনি কাইন্ড অফ সব মানে হেল্প কোঅপারেশন পরামর্শ, এবং এখানে একটা পারমানেন্ট যাতে পিএসসি ক্লার্কসি মিলিটারি হয়, আমি চেয়ারপারসন স্যারকে বলবো যে পারমানেন্টলি ডালপুরাতে একটা ঘর হবে যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হবে, এটা করছি। আর স্যারের যে সমস্ত প্রশ্ন আপনারা পেয়ে যাবেন, স্যার খুব বিজি মানুষ, আপনারা যখন মেল লিখবেন স্টুডেন্টের নাম এবং ডালপুরাটা শব্দ লিখবেন, মানে স্যার শুধু ইসলামপুরে নয়, আমরাও ডালপুরা ইসলামপুরের লোক, স্যারকে আমরা অর্ধেকটা ডালপুরাতে দেবো অর্ধেকটা ইসলামপুরে, 50-50 স্যার। হ্যাঁ, তো এবং স্যার যেটা বললেন যে স্যার তো শুধু আমাদের এখানকার নন, স্যার ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ ইন্ডিয়া, এবং স্যারের যে নেটওয়ার্ক আমরা চাইবো সেই নেটওয়ার্ক দিয়ে ডালপুরাবাসী সমৃদ্ধ হবে। স্যারকে আমাদের দরকার নেই, আমরা কিন্তু স্যারকে ডিস্টার্ব করবো আমাদের প্রয়োজনে, এবং আমি আশা করি নিশ্চয়ই উনি সেটা আমাদেরকে রেসপন্ড করবেন পজিটিভলি। এইটুকু বলে আপনাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানালাম, আপনারা কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না, স্যারকে আমি 5 মিনিটের জন্য আপনাদেরকে ছেড়ে দেবো, আপনারা মানে একে একে আসবেন, একটা করে টিম, একটা টিমের স্যারের সঙ্গে ছবি তুলবেন, আবার চলে যাবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা এখানে অফিসিয়াল সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। আমি সকলকে হিসেবে টিম হিসেবে আসবে না, তাহলে প্রথমে আমি মানে আমাদের যারা প্রথম দিকে আছেন, আসুন স্যার সামনে।